नमस्कार, लाइफ सीरीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिया। आज हम बात राहु केतु की करने वाले हैं। राहु केतु का नाम सुनते ही लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। किसी की कुंडली में अगर राहु केतु का प्रभाव चल रहा हो तो उस व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। उनकी कुंडली में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। राहु केतु का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जब इनका अशुभ प्रभाव किसी जातक के कुंडली में पड़ता है तो उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु ग्रह हर 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। ये दोनों ग्रह हमेशा बर्फी चाल चलते हैं। भारत में इन दोनों का संबंध शक्तिशाली दानव स्वर भानु से माना जाता है। ऐसे में आज हम अपने इस वीडियो में आपको राहु केतु के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर स्वर भानु से इनका संबंध क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय अमृत भी निकला था। इसको पाने को लेकर देव और दानवों के बीच लड़ाई होने लगी। हालांकि शक्तिशाली असुरों ने अमृत को छीन लिया था और वह उसे पीकर अमर हो जाना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उस अमृत कलश को प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु के मोहिनी रूप कलश से दोनों को अमृत पिलाने लगे। वह जानते थे कि असुरों ने अगर अमृत पी लिया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में वह देवताओं को अमृत और असुरों को मदिरा पिलाने लगे। हालांकि स्वर भानु नाम के असुर को यह समझ में आ गया और वह देवता का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब वह अमृत पीने लगा तो चंद्रदेव और सूर्य देव को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को जाकर बताई। यह सुनकर भगवान विष्णु ने स्वर भानु का सिर तन से अलग कर दिया। हालांकि अमृत के प्रभाव से वह मरा नहीं और उसका सिर और धड़ जीवित रहा। इसके बाद ही स्वर भानु का सिर राहु तो धड़ केतु के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि इस घटना के बाद से वह सूर्य और चंद्रदेव से बैर रखने लगा। हालांकि वह उनको निगल लेता है। जब यह घटना घटी तो उसे सूर्य और चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाने लगा। तभी से राहु केतु के प्रभाव को हर व्यक्ति की कुंडली में जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव चल रहा है तो वो व्यक्ति को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।